गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं परवीन मिनोचा। आज हम बेसिकली स्मार्ट क्लासरूम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम में जो दो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, एक होता है प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम और दूसरा आजकल जो एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या तो डिफरेंस है और कब कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है और कौन सी टेक्नोलॉजी खराब है, तो उसके बारे में आज हम एक छोट वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने मेरा चैनल देखा होगा, चैनल में मैंने दो वीडियोस पहले डाल रखे हैं जिसके अंदर एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और दूसरा एक प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों वीडियोज को एक बार अच्छे से देखें, उसके बाद जो मैं आज आपको ये डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने जो आपसे डिस्कशन किया स्मार्ट क्लासरूम, उसके अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जो पहले ट्रेडिशन पहले काफी चला करती थी और अभी भी इवन चल रही है, दैट इज प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम और दूसरा है एलईडी बेस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। जो इस समय मैं ये यूज कर रहा हूँ पैनल, जो बोर्ड यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली आपका एलईडी बेस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि प्रोजेक्टर बेस जो स्मार्ट क्लासरूम है वो क्या होता है और क्या था वो। ओके, तो आप यहां पे देखें, इसके अंदर आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम है। यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये जो आपका डिवाइस है इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ये वाला जो डिवाइस लगा हुआ है। ओके, और ये आईआर बेस है, ऑप्टिकल सेंसर बेस भी आता है। ये साइड में आप देखेंगे ये चॉक बोर्ड है। ओके, ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, स्पीकर्स, और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, कंप्यूटर, इसको डीटीडी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली इनबिल्ड आपका कंप्यूटर लगा हुआ है और इसके अंदर ही कीबोर्ड, माउस और विजुलाइजर, डॉक्यूमेंट, कैमरा सब इसके अंदर इनबिल्ड होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम है, राइट, प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लासरूम। इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स लग गए, पहला मेन कंपोनेंट इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोजेक्टर, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर, फोर्थ आपके स्पीकर्स, चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये एक ऑप्शनल है, इसको हम स्मार्ट क्लासरूम में काउंट नहीं कर रहे हैं, बट अभी आप रफली देखें तो हमारे यहाँ चार कंपोनेंट लग गए। ये चारों कंपोनेंट्स, इनमें सबसे मेन यूनिट है कंप्यूटर, तो आपका प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इंटरेक्टिव बोर्ड भी आपका कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, स्पीकर भी कंपोनेंट कनेक्ट होता है। ओके, अब जो मैं आपसे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की, जिस बोर्ड को आप अभी आप देख रहे हैं जिसके थ्रू मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। वो ये है, राइट, तो आप यहां देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और वो क्या है, अपने आप में ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। बस आपको क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे देनी है, दैट्स इट। क्योंकि
इसके अंदर ही इनबिल्ट स्पीकर्स हैं। यदि हम व्यूसोनिक की बात कर रहे हैं तो व्यूसोनिक के अंदर आपको 10 वाट का लेफ्ट, 10 वाट का राइट प्लस 15 वाट का सबवूफर, मतलब 35 वाट के स्पीकर ऑलरेडी इसमें आपको इनबिल्ट मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट मिल रहा है, 3 GB का इसमें रैम आ रहा है और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आ रहा है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जैसे हमारे घरों के अंदर नॉर्मल टीवी होते हैं, राइट, तो दिखने में ये बिल्कुल टीवी है और इसके अलावा आपको कोई दूसरा और कंपोनेंट नहीं लगाना है। तो अब मेरा इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने का जो मकसद है वो ये है कि आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पाएं कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करना है और कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजीज के अंदर कमियां हैं, अच्छाइयां हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, पहले ये जो हमने अभी बात किया था प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स की, ओके। अब यदि मैं इसकी अच्छाइयों की बात करूं, ठीक है, तो अच्छाई में एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये सस्ता है, ये आपको चीप मतलब लो प्राइस पे मिलेगा एज कंपेयर टू एलईडी बेस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। सेकंड, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो काफी टाइम से एजुकेशन के अंदर यूज हो रही है, तो ये इसके अंदर आपको अच्छाइयां मिलने वाली है। अब मैं आपसे इनसे बात करता हूं कि इसमें कमियां क्या है, राइट। तो कमियां ये है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये सारे कंपोनेंट एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब इस कंपोनेंट में, राइट, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो मल्टीपल कंपोनेंट होने से इनकी जो मेंटेनेंस है वो हाई पड़ती है। कैसे मालूम चला कि प्रोजेक्टर की केबल जो है हिल गई, मालूम चला कि हमारा जो इंटरेक्टिव बोर्ड है उसकी यूएसबी केबल हिल गई, मालूम चला कि स्पीकर है उसकी केबल हिल गई। तो कोई भी एक केबल हिल जाती है या पता चला कि वो कट हो गई है तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है, ओके। सेकंड, आप जब इसके अंदर मेन जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो प्रोजेक्शन आ रहा है प्रोजेक्टर के थ्रू, ठीक है, और प्रोजेक्टर जब आप लगाते हैं तो आप बेसिकली दो तरह के प्रोजेक्टर लेते हैं, लॉन्ग थ्रो लेते हो या शॉर्ट थ्रो लेते हो। दोनों ही केस के अंदर प्रोजेक्टर में मेन कंपोनेंट होता है लैंप, राइट, और उस लैंप से लाइट निकल के आती है, वो लाइट टीचर जब पढ़ा रहा है उसके चेहरे पर आती है और एज वेल एज वो जो हमारा इंटरेक्टिव बोर्ड है उससे टकरा करके भी वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो वो बेसिकली लाइट जो है टीचर को इरिटेट करती है, राइट, वो उसको कंफर्ट फील नहीं होने देती है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जहां भी प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम चल रहे हैं तो नॉर्मली 5-10 मिनट के लिए तो टीचर सामने आ जाता है, उसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर के ही खड़ा होकर के एक्सप्लेन करने लगता है। तीसरा जो इसमें मैं आपको बताऊं कमी है वो आ रही है कि जो प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम है, ओके, उसमें जो टीचिंग कराने का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है एज कंपेयर टू एलईडी बेस्ड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स। उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए टीचर्स लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाकर के वो लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं और वो इतना थोड़ा आप बोल सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता है, राइट। फोर्थ जो इसमें कमी है वो है कि प्रोजेक्टर जो है, राइट, प्रोजेक्टर के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, लैंप, और लैंप की एक लाइफ होती है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्टर पे जाते हो तो आप चाहे बेनक्यू पे जाए, व्यूसोनिक पे जाए, एप्सन पे जाए, किसी भी ब्रांड पे जाते हैं तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि उसकी जो लैंप की लाइफ है 5000 घंटे या मैक्स टू मैक्स 15000 घंटे, वो भी सुपर इको मोड के अंदर मिलता है,
नॉर्मल मोड में वो 5000 घंटे तक ही निकल के आती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इतनी कम लाइफ इसकी होती है, तो मतलब और उसमें भी वारंटी जो आपको दी जाती है लैंप के ऊपर 1 ईयर की या 1000 घंटे सिर्फ आपको वारंटी मिलती है। तो आप 1000 घंटे को यदि आप देखें तो 1000 घंटे का मेरा मतलब हो गया, यदि मैं डेली 8 घंटा प्रोजेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो रफली जो आपके सामने निकल के आ रहा है 125 डेज। और यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि हम लोग 365 से उसको डिवाइड कर दो, रफली 6 महीना जो है 6 मंथ्स के अंदर इसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है यदि आप इस पैरामीटर के साथ इस प्रोजेक्टर को यूज करते हो। तो नॉर्मली उसके बाद आपको क्या लैंप को लैंप में जो है, और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी रहता है कि कई बार प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको शट डाउन नहीं करते हैं प्रोजेक्टर को, या एक्सेप्शनली क्या है कि कई बार लाइट चली गई है तो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, उससे क्या होता है कि उसकी जो लैंप होती है लैंप की लाइफ ओवर द पीरियड कम होने लगती है। तो आपको ये जो लैंप है लैंप को आपको रिप्लेस करना पड़ता है, तो लैंप की भी अपने आप में एक कॉस्टिंग बनती है। तो ये आपको मैंने बताया कि इसमें अच्छाई क्या है, राइट, अच्छाई है कि ये एक सस्ता है और पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, यूज हो रही है। और इसमें जो बुराइयां आपको नजर आई वो आई कि मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो किसी भी कंपोनेंट में कोई इशू आया तो पूरा स्मार्ट क्लास डाउन हो जाएगा, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस कराने के लिए अलग से खर्चे कराने पड़ते हैं। दूसरा, प्रोजेक्टर का लैंप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा यदि हम लोग 8 घंटे के पैरामीटर पे चले और 365 दिन के पैरामीटर पे चले, तो 6 महीने में इसका लैंप ओवर हो जाएगा। तीसरा, इसका जो सॉफ्टवेयर वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता, टीचर्स लोगों को काफी मशक्कत लगती है, ओके। और चौथा जो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टर की जो लाइट आती है डायरेक्ट या उससे रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही है, तो वो लाइट बेसिकली टीचर्स को कंफर्ट फील नहीं कराती है और इरिटेट करती है। इन सब चीजों को देखते हुए ही ओके नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ओके, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में अब क्या अच्छा है, पहला क्या अच्छाइयां है इसमें, ओके, तो सबसे बड़ी अच्छाई ये ऑल इन वन है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये लगाना है, दैट्स इट, कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं लगाना है। सेकंड, इसके जो सॉफ्टवेयर है, जो जैसा भी आप देख रहे हो, तो मैं सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहा हूँ इस समय पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, वो सॉफ्टवेयर काफी यूजर फ्रेंडली है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आज हर टीचर अपने मोबाइल के साथ कंफर्ट है, वो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह इजिली कर पा रहा है, तो जो बंदा ये कर पाता है वो इस सॉफ्टवेयर को भी इजिली यूज कर लेता है। तीसरा, इसके अंदर जो किसी तरह का कोई प्रोजेक्टर नहीं है, तो प्रोजेक्टर नहीं है तो किसी तरह की प्रोजेक्टर की जो लाइट का रिफ्लेक्शन का जो इश्यू था वो खत्म हो गया, राइट, प्रोजेक्टर लाइट की। एंड फोर्थ, इसका इसके अंदर जो बेसिकली लाइट सोर्स है वो एलईडी है, ओके, तो आप एलईडी लाइट सोर्स होने से इसकी जो लाइफ है, ठीक है, एलईडी होने का आपको दो बेनिफिट मिल रहा है, पहला कि लॉन्ग लाइफ और दूसरा लो पावर कंजम्पशन, ठीक है। लॉन्ग लाइफ से मतलब है एलईडी है तो मिनिमम आप देखेंगे तो 50,000 घंटे की इसमें एलईडी की वारंटी आ रही है, राइट, 50,000 घंटे एलईडी की वारंटी, मतलब यदि मैं वही पैरामीटर यूज करूं 8 घंटे का इसमें डेली में 8 घंटे यूज करूं और 365 दिन पूरे साल में मैं इसको यूज करूं बिना कोई छुट्टी वुट्टी मारे हुए, तो करीबन ये करीबन 14-15 साल की इसकी लाइफ निकल करके आती है, जो अभी हमने प्रोजेक्टर बेस पे किया था 6 महीना 1 साल के अंदर वो आउट हो जाएगा। दूसरा, लो पावर कंजम्पशन, यदि आप इसको एंड्रॉइड पे चला रहे हैं तो इसकी जो पावर वोल्टेज है वो है 160 वॉट, मतलब आप यदि इसको 1 घंटा चलाते हो तो 0.16 यूनिट बिजली लगती है, 0.16 यूनिट, और 1 यूनिट की कॉस्ट यदि मैं 7 रुपये पकड़ लूँ, राइट, तो आपका करीबन 1.12 रुपये का आपका खर्चा आता है 1 घंटे का। लेकिन यदि आप प्रोजेक्टर वाले में जाते हैं तो प्रोजेक्टर वाले के अंदर
प्रोजेक्टर का जो पावर कंजप्शन होता है वो करीबन 290 वाट का तो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर का होता है, इसके अलावा कंप्यूटर कंप्यूटर के अलग मान लेते हैं तो 310 वाट पकड़ के चलिए आप, तो रफली आप देखेंगे यहाँ पे तो इससे जस्ट ये डबल खर्चा आ जाता है राइट, कि मतलब 2-2.25 रुपए पर यूनिट पर घंटे का आपका बिजली का खर्चा भी आगे बढ़ रहा है राइट। तो ये आपको इसमें और अच्छाइयां मिल रही हैं ओके। अब इसमें जो कमी है नो डाउट न्यू टेक्नोलॉजी है, एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम से ये थोड़ी सी कॉस्टली है, बट जो ये कॉस्टली हम बात कर रहे हैं तो कितनी कॉस्टली है, यदि हम बात करें कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ये प्रोजेक्टर के अंदर प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स के अंदर इतने सारे कंपोनेंट हैं, सबकी कॉस्टिंग को हम जोड़ लें और फिर हम बात करें खाली इस पैनल की, तो रफली जो है करीबन 20-25% का ज्यादा कॉस्टली पड़ता है ये इंडक्टिव फ्लैट पैनल, बट ये जो कॉस्टिंग आ भी रही है ठीक है ज्यादा आ रही है लेकिन उसकी वर्थ है, वर्थ इसलिए है क्योंकि इसकी लाइफ आपको करीबन 14-15 साल मिल रही है, यूजर फ्रेंडली है, रफ एंड टफ है और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो आने वाले 5-7 साल तक तो ये ऑब्सोलेट नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ड इतने सारे फीचर्स डाले गए हैं कि जो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। प्लस इसमें आपको जो ऑनसाइट वारंटीज वगैरह 3 ईयर तक की मिल जाती है, जबकि आप स्मार्ट क्लास रूम्स वगैरह में देखते हो तो हर कंपोनेंट की अपनी वारंटी अलग अलग होती है, यहाँ पे कस्टमर को वारंटी रिलेटेड काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने स्कूल के अंदर कॉलेज में कोचिंग में यूनिवर्सिटीज में आप स्मार्ट क्लास रूम परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपरली इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें कि आपको क्या प्रोजेक्टर बेस्ड स्मार्ट क्लास रूम लेना है या फिर आपको एलईडी बेस्ड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेना है। चॉइस आप सोच समझ के करें, समझे कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए यूजफुल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ पैसे, इन टर्म्स ऑफ रियली उसका यूज टीचर लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।